सो चलिए गाइस, आज हमारा टॉपिक क्या है? लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मोल को तीन टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है। मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट टाइम पे कि मोल क्या होता है? इट इज जस्ट अ यूनिट, यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। अगर किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करना है तो उसको मोल की टर्म में डिफाइन किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। अब पहला टर्म पढ़ते हैं, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लिखिए मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल को क्वांटिटी के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मैं कंपैरिजन करूंगा यहां पर और आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ध्यान से इसको देखिएगा, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आपको पता है जब आप लोग बनाना लेने जाते हो, केले लेने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो उसको कि भैया वन डजन, एक दर्जन केला दे दो, ऐसा बोलते हो ना? तो एक्चुअल में अगर आपने उसको बोला कि मुझे एक दर्जन केले चाहिए तो आपको कितने केले देगा? 12। हमें पता है कि एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, तो मैं इसको लिखता हूं, जरा कंपैरिजन देखिएगा, बड़ा मजेदार है। वी ऑल नो कि अगर आप एक दर्जन कोई भी चीज लाओ तो वो 12 क्वांटिटी आपको देगा। एक दर्जन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, ये सबको पता है। पर अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं टोटल 24 केले लाया, ध्यान से समझिएगा, 24 क्वांटिटी लेके आया केलों की, तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि दर्जन कितने हुए, तो आप क्या करोगे? इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डजन, वट एवर बी द क्वांटिटी यू आर टेकिंग, आपने जितने केले लिए, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करो? आप 24 लेके आए हो, उसको किससे डिवाइड करोगे? आपके रेफरेंस से। आपका रेफरेंस क्या है कि आपको पता है कि एक दर्जन में 12 चीजें होती है, सबको समझ में आ गया? सो आपका रेफरेंस ये है, तो उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 12 क्वांटिटी पर डजन, क्योंकि मुझे पता है कि एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं। तो आप देखिए यहां डजन कितने निकल के आए, ये तो बड़ा आसान था ना। सो फाइनली क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 2 डजन, सबको समझ में आ गया, डी ऊपर चला गया, तो 2 डर्जन आपके पास आ गए। अब यही रेफरेंस हम लोग यहां पे आगे भी काम लेंगे, इस चीज को समझिए। हालांकि ये चीज बहुत आसान थी, सबको सबको पता था, लेकिन कंपैरिजन से चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो हमने क्या किया, व्हाटएवर बी योर रेफरेंस, आप उसी से डिवाइड कर रहे हो, सबको समझ में आ गया। अब देखिए मजे की बात, अगर एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, इसी तरह से एक मोल में कितनी चीजें आएंगी, जरा समझिए। अगर आप कोई भी सब्सटेंस एक मोल लेने जाते हो तो उसमें आप लोगों को इतनी चीजें मिलेंगी, 6.022 × 10⁻²23 क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। दिस इज वेरी बिग नंबर, 10⁻²23 का मतलब जानते हो, एक के पीछे कितनी जीरो लगी हुई है? 23। ये बहुत बड़ा नंबर है, सबको समझ में आ गया। सो ये बहुत बड़ा नंबर है और एक मोल में आपको इतनी चीजें देगा। ध्यान से समझिए रेफरेंस क्या है, एक दर्जन में अगर 12 चीजें आती है तो एक मोल में इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी, इतनी क्वांटिटी। ध्यान से इसको समझिएगा, सबको समझ में आ गया। और मजे की बात, जरा ध्यान से इसको देखिए, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ऊपर लिख देता हूं, 6.022 × 10⁻²23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको एवोगैड्रोज नंबर कहा जाता है, बहुत ही फेमस नंबर है इन केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अब इतना बड़ा नंबर हमने रेफरेंस में क्यों लिया, क्योंकि जिन क्वांटिटीज की हम लोग यहां बात कर रहे हैं ना, एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत छोटे हैं। अब देखो केला, सेब, ये ऐसी चीज है, अगर दर्जन में खरीदो नजर भी आता है भी, एक इतना बड़ा सेब है, दिखता है, एटम दिखता है क्या? सो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एटम पे तो स्टडी नहीं कर सकते, हम लोगों को एक मोल लेना पड़ेगा। एक मोल में इतनी सारी आएंगी तब हम लोग उस पर स्टडी कर सकते, क्योंकि एक एटम को तो हम देख ही नहीं सकते, सबको समझ में आ गया। सो एक एटम तो समझ में नहीं आएगा, उसमें स्टडी क्या करेंगे? सो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, सबको समझ में आ गया, और उसको एक मोल का रेफरेंस दे दिया। अब एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, अगर वही चीज एक मोल लेने जाओगे तो इतनी देनी पड़ेंगी उसको, सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, एक मोल में इतनी चीजें आती हैं। अब जरा सोचो कि आपने जब दर्जन का फॉर्मूला बनाया था तो आपने क्या बनाया था, दर्जन अगर आपको निकालने हैं तो व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय योर रेफरेंस। नाउ व्हाट इज योर रेफरेंस, दैट इज 12 क्वांटिटी पर डजन, ऐसे तो निकाला था, यस और नो? ऐसे ही आप करके किसी का भी दर्जन निकाल सकते हो, तो इसी तरह से मोल का यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए हम लोग केमिस्ट्री में मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। तो यहां देखिए एक मोल में इतनी चीजें आती हैं, सबको समझ में आ गया। तो यहां से मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहां डर्जन निकालने का फॉर्मूला क्या था, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय योर रेफरेंस। नाउ व्हाट इज योर रेफरेंस, एक दर्जन में इतनी चीजें आती हैं।
अब ऐसे ही हमें ये रेफरेंस मिला, इसको आप नीचे डिवाइड कर दोगे. सो व्हाटएवर बी द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, मैं लिख देता हूं, दिस इज ऊपर क्या लोगे, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, जैसे यहां पर लिया था आपने क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको डिवाइड किससे करोगे, आपका रेफरेंस ये है, दैट इज 6.022 × 10⁻², ठीक है. और यहां क्या लिखोगे, क्वांटिटी पर मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी पर मोल. ये लो, सबको समझ में आ गया, शॉर्ट में लिखना है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, वट एवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻², को बच्चों हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको कैपिटल एन ए से लिखा जाता है, ए उसके फुट में जाएगा. सबको समझ में आ गया. और यहां पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी पर मोल, ये उसका यूनिट हो गया, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल होगा, मोल में आंसर आएगा. सबको समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला. उसके लिए रेफरेंस देखो मैंने किसको लिया, डजन को, जो आप पहले से जानते थे. सबको हमेशा ऐसे ही करना है, आपके रेफरेंस से आपको डिवाइड कर देना है. सबको क्लियर हो गया. सो यहां पर पहला फॉर्मूला बन गया आपके पास कि अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं तो क्वांटिटी डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर. सबको क्लियर है, सबको ध्यान से समझ में आ गया. अब यहां से थोड़ा चेंज भी कर सकते हो. मान लो आपको उल्टा दिया है, आपको मोल दिए और आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर. ये लो, इससे आप क्वांटिटी निकाल सकते हो. सबको समझ में आ गया. सो मोल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर. नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट क्वांटिटी, अगर आपको मोल दिए और क्वांटिटी निकालनी है तो आपको मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा. सबको समझ में आ गया. तो ये दोनों फॉर्मूले काफी ज्यादा काम के हैं, मैं यहां स्टार लगा रहा हूं, मैं इनको यूज करके बताता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. चलिए मैं उधर ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यूज करके बताता हूं, इसको ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है. सो चलिए सपोज करिए कि आपको किसी सैंपल में, क्वेश्चन नंबर वन है, आपको एक सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल में आपको कैल्शियम एटम दिए हैं. देखिए जरा ध्यान से, कैल्शियम एटम दिए हैं. अब कैल्शियम एटम उस सैंपल में कितने दिए हैं, मान लेते हैं 12.044 × 10⁻², एटम दिए हैं आपको किसके, कैल्शियम के. ध्यान से समझिएगा, बेसिक से शुरू कर रहा हूं. आपको केमिस्ट्री में एक सैंपल दे दिया गया और आपको बता दिया गया है कि उसमें इतने एटम है कैल्शियम के, कितने, 12.044 × 10⁻², एटम है. तो वो सवाल पूछ रहा है, बताइए मोल कितने हुए, देन हाउ मच मोल्स. अब मोल देखो चीजों को आसान बना देता है, वो कितना बड़ा नंबर है, जरा देखिए 12.044 × 10⁻², एटम दिए हैं कैल्शियम के, पूछ रहा है कि मोल बताइए. तो देखिए मोल निकालना आसान है, मोल निकालने के लिए क्या करोगे, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय योर रेफरेंस, व्हाट इज योर रेफरेंस, दैट इज एवोगैड्रो नंबर. सिंपल सा फॉर्मूला उधर लिख दिया है. अब देखिए आप n की वैल्यू निकालो, क्या क्वांटिटी दिया आपको, 12.044 × 10⁻², ये तो दिया हुआ है आपको एटम. आप देखिए यहां पर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, यहां पर देखिए फॉर्मूला, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. अब सब्सटेंस में कौन कौन हो सकते हैं, सब्सटेंस में बच्चों एटम हो सकता है, ठीक है, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल हो सकता है, सबको समझ में आ गया, सब्सटेंस में आयन हो सकता है, सबसे में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटोन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब पे लागू है, सब जितनी छोटी क्वांटिटी सब पे लागू है. अब एक दर्जन में आप तो कुछ भी खरीद सकते हो ना, एक दर्जन में सेब भी खरीद सकते हो, एक दर्जन में केले भी खरीद सकते हो, एक दर्जन आपको बैंगन भी दे सकता है, ठीक है, वो एक दर्जन में आपको चूड़ियां भी दे सकता है, कुछ भी मांग सकते हो ना एक दर्जन में. तो यहां पर स्पेसिफिक नहीं है, यहां पर क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, स्मॉल सब्सटेंस की, जो केमिस्ट्री में छोटी छोटी क्वांटिटीज होती है ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. सो फाइनली यहां पर आंसर कितना आया, ये देखिए आपने इतना क्वांटिटी आपने उस एटम का लिया है, जरा देखिए चेक करिए, कैल्शियम का डिवाइड बाय व्हाट इज योर रेफरेंस, 6.022 × 10⁻², नाउ दिस इज योर रेफरेंस. मोल कितने आ गए जरा चेक करो, अब इस रेफरेंस के आगे यूनिट भी लगाओ. अब क्वांटिटी में आपने लिया है एटम, तो एटम पर मोल होंगे, समझ में आ गया, जैसा दिखेगा एटम लिया तो एटम पर मोल, ऊपर एटम है नीचे एटम है, एटम से एटम कैंसिल हो गया, मोल में आंसर आ गया. कितना बनेगा, ये 2 से कैंसिल होगा और यहां पर बचेगा, देखो ये 10⁻², 20 और 23 है, तो यहां पर 10⁻³ - 3 बच जाएगा. तो देखिए 2 × 10⁻³ - 3 मोल में आंसर आ गया. आप इसको यूं भी लिख सकते हो, मोल कितने आए, 2 मिलीमोल. स्मार्ट आंसर दो, 2 मिलीमोल. सबको समझ में आ गया, सो आंसर आया 2 मिलीमोल. या फिर आप इसको यू लिख सकते हो, 2m छोटे वाला और साथ में मोल. क्लियर हो गया सब लोगों को, 2 मिलीमोल. अब देखिए अब एक बात बताइए, अब मुझे, मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं. एक तो आपको दिया कि कैल्शियम के इतने एटम है, कितने, 12.044 × 10⁻², 20 एटम.
और एक अगर मैं कहूं कि कैल्शियम के सिर्फ 2 मिलीमोल है, ना व्हाट इज सिंपलर, क्या रिप्रेजेंटेशन आसान है? 2 मिलीमोल। इसीलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नंबर्स को आसान बना देता है, बहुत बड़े नंबर को छोटा करके दिखाता है और आसान बना देता है, इसीलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, बहुत सिंपल है। इसको मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बट ध्यान से उसको देखिए कि एक दर्जन में 12 चीजें आती है तो एक मोल में इतनी क्वांटिटी आती है, 6.022 × 10⁻²³ क्वांटिटी, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब यहां से मोल का फॉर्मूला बन गया, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय माय रेफरेंस नंबर। नाउ व्हाट इज माय रेफरेंस नंबर? दैट इज एवोगैड्रो नंबर। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाया और उसके थ्रू मैंने समझाया इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और तरीके से समझाता हूं, दूसरे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो चलिए स्क्रीनशॉट ले ली, उसको आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके बहुत सारे पार्ट होंगे, और एक्चुअल में जो पार्ट है ना वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से उसको देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.5 मोल्स ऑफ, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन, कैल्शियम प्लस 2 आयन, ठीक है, इज गिवन एज अ सैंपल, इज गिवन एज अ सैंपल। ध्यान से समझिएगा, एक सैंपल की तरह कैल्शियम प्लस 2 आयन आपको दिया गया। तो आपसे सवाल क्या पूछता है? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। पहला तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब एक एक क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सी ए प्लस 2 आयन, पहला सवाल क्या है? फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सी ए प्लस 2 आयन। तो पहला सवाल तो ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा था वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, तो इस बार वो आयन लिया, एटम नहीं लिया। अब इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं इसी क्वेश्चन में, तो ध्यान से उसको चेक करिएगा, बहुत मजेदार सवाल है। सबसे पहला सवाल ये पूछा कि अगर 0.5 मोल है तो बताइए कैल्शियम प्लस 2 आयन है कितने, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको मोल दिया और क्वांटिटी पूछी हो तो क्या करना है, जरा चेक करो। सो क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है उस आयन की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्वांटिटी तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये वही फॉर्मूला है, अभी आप पढ़ के आए थे, मैं लिख देता हूं। सो मोल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। नाउ अगर आपको क्वांटिटी पूछिए तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, सिंपल है। सो यहां पर जरा चेक करो क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी ऑफ सी ए प्लस 2 आयन, इस बार आयन है, विच इज इक्वल्स टू मोल कितने दिए हुए हैं, 0.5 मोल्स, ठीक है, इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आप एवोगैड्रो नंबर को लिखिए, दैट इज 6.022 × 10⁻²³। सबको समझ में आ गया, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। सो यहां पर आपको क्या करना है, बेसिकली बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया। सो क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कितना निकल के आया, देखिए 0.5, इसका हाफ करना है, कितना होगा, 3.011 × 10⁻²³। ये है आपके पास कैल्शियम प्लस 2 आयन, क्लियर हो गया। सो दिस इज कैल्शियम प्लस 2 आयन, सो ये कैल्शियम प्लस 2 आयन आपके पास इतने हैं, क्लियर हो गया सब लोगों को, इतने कैल्शियम प्लस 2 आयन है। तो पहला सवाल तो हो गया आपके पास, आसान था, 0.5 मोल को आपको मल्टीप्लाई करना था एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि हम ये जानते हैं दिस इज क्वांटिटी पर मोल। सबको समझ में आ गया, सो दिस इज क्वांटिटी पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, क्वांटिटी आ गई, तो हमारे पास इतने आयन आपके पास अवेलेबल हैं कैल्शियम प्लस 2 के, क्वांटिटी आपको मिल गई। सबको समझ में आ गया, अब मालूम पड़ गया कि इतने कैल्शियम प्लस 2 आयन है, सबको समझ में आ गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में पूछेगा कि बताइए सैंपल में जो कैल्शियम प्लस 2 आयन है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं। आपसे सवाल देखो मजेदार और पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड टोटल चार्ज भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि टोटल चार्ज बताइए कितना है। सबको समझ में आ गया, तो ये बहुत ही मजेदार सवाल है, और इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सैंपल के अंदर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, और टोटल चार्ज कितना है। समझ में आ गया, इस सैंपल के अंदर पूछा। तो अगर आपको पूरे देखिए उस सैंपल के अंदर कैल्शियम प्लस 2 आयन कितने हैं, 3.011 × 10⁻²³, इतने आपके पास आयन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतने आयन है। आपको पहले एक आयन के बारे में चेकिंग करनी है, फिर इतने आयन के बारे में बता देना है। सबको समझ में आ गया, तो ध्यान से इसको देखिए। अगर आपको यह पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन बताइए, तो पहले प्रोटोन की तरफ चलते हैं, तो यहां पर लिखता हूं टोटल प्रोटोन, टोटल प्रोटॉन चेक करते हैं।
तो टोटल प्रोटॉन चेक करने के लिए कैल्शियम प्लस टू आयन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर चेक करिए कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर चेक करें तो 20 होता है। अगर मैं सिर्फ कैल्शियम के बारे में बात करूं तो बताइए कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। देखिए जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके प्रोटॉन होते हैं, तो जानते हो नहीं जानते हो मैं बता देता हूं, सबको समझ में आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और उसका जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। सबको क्लियर है, 20 एंड 40 ये उसका एटॉमिक नंबर है जिसको Z से लिखा जाता है, जिसको नहीं पता वो बता रहा हूं। और यहां पर इसको किससे लिखते हैं, A से। तो Z और A की वैल्यू आपको पता है, Z की वैल्यू 20 विच इज एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसका 40 है। तो जो Z की वैल्यू होती है एक्चुअल में वही प्रोटॉन होते हैं, जिसको नहीं पता मैं बेसिक बता देता हूं, Z की वैल्यू आपको सीधे सीधे प्रोटॉन देती है। सबको समझ में आ गया। और एक्चुअल में क्योंकि सिर्फ मैंने कैल्शियम लिखा है तो कैल्शियम तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रल स्टेज में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 20 न्यूट्रल स्टेज में। लेकिन आपने सवाल में क्या लिखा है, सी ए प्लस टू, प्लस टू का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी तो उस पे प्लस टू का साइन आया। आप जरा सोचिए कैल्शियम प्लस टू कैसे बना होगा, कैल्शियम प्लस टू बना होगा जब कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ध्यान रखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने से आता है, प्रोटॉन में कभी कोई चेंजेस नहीं होते। प्रोटॉन में चेंजेस क्यों नहीं होते, क्योंकि एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जेड इज इक्वल टू पी प्लस होता है। सबको समझ में आ गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता, एक सिंपल बेसिक तरीका बता रहा हूं याद करने का। सबको समझ में आ गया, कभी भी प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही सीन होता है। तो यहां पर जैसे ही उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो सी ए प्लस टू में चला गया। अब जरा सोचिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है 20 इन द केस ऑफ न्यूट्रल, लेकिन आपको सी ए प्लस टू में इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो यहां पर सी ए प्लस टू के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जरा चेक करो, एक सी ए प्लस टू में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए तो यहां पर कितने, 20 में से दो गए 18। तो यहां पर प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, चाहे आप सीए के लो चाहे सीए प्लस टू के लो। सबको समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहां से उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब लास्ट चीज जो आपको पता करनी होती है, प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन तो पता कर लिए, न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन इन सीए प्लस टू, तो न्यूट्रॉन देखिए कैसे निकालते हो, जरा चेक करो, न्यूट्रॉन निकाला जाता है ए माइनस जेड। सबको समझ में आ गया, ए में से जेड को घटाया जाता है, ना तो ए कभी चेंज होता है ना ही कभी जेड चेंज होता है, तो न्यूट्रॉन निकलेंगे ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन को मैं ऐसे राउंड करके लिख देता हूं, तो न्यूट्रॉन निकालते हो ए माइनस जेड, ए की वैल्यू कितनी है 40, जेड की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां पर आ गया आंसर 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सी ए प्लस टू के अंदर भी कितने रहेंगे, 20। आप जरा चेक कर लीजिएगा एक बात तो गौर से, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आप सीधे निकाल सकते हो अगर आपको ए और जेड का वैल्यू पता है तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चेक करते हो कि आपका जो यहां पर एटम दिया है, बेसिकली जो भी आपके पास एलिमेंट दिया है वो न्यूट्रल है या फिर चार्ज्ड है। अगर वो चार्ज्ड है तो आपको इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से मैनेज करने, जैसे इस केस में कैल्शियम प्लस टू था तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आपको इलेक्ट्रॉन में चेंज करने पड़े। अब आपके पास सीधी सी कहानी ये है कि ये पूरे सैंपल के अंदर हम लोग कैल्शियम प्लस टू लेके चल रहे हैं और सी ए प्लस टू के अंदर हम एक, अगर एक आयन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकल के आ रहे हैं जी एक के अंदर 18, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एक के अंदर निकल के आ रहे हैं 20, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक के अंदर निकल के आ रहे हैं 20। ये एक की बात है, पर तुम्हारे पास सैंपल के अंदर कैल्शियम प्लस टू आयन है कितने, इतने सारे। सबको समझ में आ गया, तब बताइए अगर एक कैल्शियम प्लस टू आयन के अंदर प्रोटॉन है 20, तो इतने में कितने होंगे, दैट इज 20 इंटू दिस नंबर, सो 3.011 इंटू 10^23। दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से चेक करो, इन सैंपल आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, एक कैल्शियम प्लस टू में प्रोटॉन होते हैं 20, तो टोटल कैल्शियम प्लस टू कितने आपके पास, जरा चेक करो, ये नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आसान है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, इस सैंपल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताइए एक कैल्शियम प्लस टू में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। अब आपके पास टोटल सैंपल में कैल्शियम प्लस टू है कितने, ये रे इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आसान है, क्या ये हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सबको समझ में आ गया, अब ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर उसने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए सैंपल में कितने हैं, न्यूट्रॉन को मैं ऐसे राउंड करके लिख देता हूं क्योंकि एन से हम लोग मोल भी लिखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की बात हो रही है। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक कैल्शियम प्लस टू में न्यूट्रॉन बताइए कितने होते हैं, 20,
तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इस सैंपल के अंदर, क्योंकि इतने कैल्शियम प्लस टू है आपके पास, 20 × 3.011 × 10⁻²23। ये लीजिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन टोटल इस सैंपल के अंदर निकल के आ गए। इस सैंपल के बारे में ही बात हो रही थी। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, टोटल चार्ज कितना है। अब ये इंटरेस्टिंग है, सो आपसे पूछा कि ये जो सैंपल दिया है उसमें टोटल चार्ज बताइए, ठीक है, टोटल चार्ज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टोटल चार्ज। अब जरा चेक करिए टोटल चार्ज। अब एक एक कैल्शियम पे देखिए, एक कैल्शियम प्लस टू पे टोटल चार्ज कितना है। ये देखिए, जब दूसरे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ रहा है। ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए तो प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ रहा है। एक कैल्शियम के ऊपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है एक कैल्शियम के ऊपर। तो देखिए, टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो पहली बात तो टोटल चार्ज है प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, और प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ये तो जानते हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ये पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब जरा देखिए इस कैल्शियम पे चार्ज कितना है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो प्लस टू इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब देखिए, ये तो एक कैल्शियम प्लस टू पे आया, आपके पास टोटल कैल्शियम प्लस टू है कितने, ये रहे, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इंटू वन, यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3.011 × 10⁻²23। ये ना 3.011 × 10⁻²23। दोबारा बता देता हूं, टोटल चार्ज आपके पूछा है यहां पर कैल्शियम प्लस टू के सैंपल में, जो आपको सैंपल गिवन है। तो हमने क्या किया, एक कैल्शियम प्लस टू पे चार्ज निकाला, एक कैल्शियम प्लस टू पे चार्ज निकल के आ रहा है प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये एक कैल्शियम प्लस टू पे चार्ज है, ठीक है, ये नीचे लिख देता हूं, दिस इज चार्ज ऑन वन कैल्शियम प्लस टू। इस चीज को चेक करिएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज होता है ना। तो यहां पर ये चार्ज ऑन वन कैल्शियम प्लस टू, वो कितना है, प्लस टू इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। और टोटल कैल्शियम प्लस टू है कितने, दैट इज 3.011 × 10⁻²23। सो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया। बहुत आसान है, बस आपको करना कुछ नहीं होता। आप देखो यहां पर चार्ज कितना है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस टू इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस टू इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। ये एक कैल्शियम प्लस टू पे चार्ज है। आया सबको समझ में, हमें तो टोटल निकालने है ना, टोटल कितने हैं, इतने कैल्शियम प्लस टू है। तो इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, स्पेशली जेई में भी इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली गाइस, जो पहला फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, दैट इज अगर आपको यहां पर मोल निकालने हैं, मोल का फर्स्ट फॉर्मूला, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या करना है आपको, क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया ना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्वांटिटी, दैट इज मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पास फर्स्ट टर्म में निकल के आ गया, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से इसको चेक करो, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी करा दिए, और ऐसा क्वेश्चन कराया है एक्चुअल में, ये वाला तो स्पेशली जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके सामने मेंशनड है, और आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको 0.5 मोल कैल्शियम प्लस टू के दिए तो उसके अंदर आपके पास कितने यहां पर प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, टोटल चार्ज कितना होगा, ये आप निकाल के देखिए। चलो मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं, सपोज करो कि आपको, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, वैसे बहुत आसान है। इफ आई सेड कि आपको 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल दिया हुआ आपको, सपोज करो SO4-2 आयन दिया है, ध्यान से चेक करना, क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, चेक करो, 0.1 मोल SO4-2 आयन दिया है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछता है ये सारे, अगर 0.1 मोल SO4-2 आयन दिया है तो आपको पहला सवाल का जवाब निकालना है कि बताइए क्वांटिटी ऑफ SO4-2 कितना हुआ। फिर दूसरा सवाल का जवाब निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए। फिर तीसरा टोटल प्रोटॉन कितने हैं, टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये सवाल हो गए। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछा टोटल चार्ज कितना है। अब आप बड़े ईमानदारी से ध्यान से निकालना, दोबारा बोलता हूं, 0.1 मोल SO4-2 आयन दिए हैं आपको, पहले तो पूछा क्वांटिटी बताओ, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ, फिर टोटल चार्ज बताओ, ये सवाल है। अब ना कई लोगों को यहां दिक्कत होगी कि SO4-2 में टोटल प्रोटॉन कितने हैं, पहले एक का पता लगे फिर तो हम लोग मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर SO4 माइनस 2 की बात करें तो टोटल प्रोटॉन चेक करो तो सबको जोड़ोगे। देखिए यहां पर सल्फर की बात हो रही है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये तो जानते हो। मैं आपको प्रोटॉन निकाल के बता देता हूं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो फिर आप खुद से ही निकाल लोगे। तो प्रोटॉन की बात करते हैं, चलो टोटल प्रोटॉन सिर्फ एक यहां पर इसी स्पीसी में, सिर्फ एक में, फिर बाकी तो आपको मोल निकालने। एक स्पीसी में टोटल प्रोटॉन कितने हैं, सल्फर में कितने हो गए जरा चेक करो, 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 16 तो सल्फर में हो गए। अब 8 होते हैं एक ऑक्सीजन में, चेक करना 16 प्रोटॉन तो सिर्फ एक सल्फर में है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो प्रोटॉन तो सिर्फ इतने से, उसको प्रोटॉन को इससे मतलब नहीं होता है। तो टोटल काउंट करो, 8 चौक 32 और 16 कितने हो गए, दैट इज 48। ये लो प्रोटॉन मैंने निकाल के दिखा दिए, सबको समझ में आ गया। अब अगर प्रोटॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है, प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 48, लेकिन दो एक्स्ट्रा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, ये लो लिख देता हूं 50। अब इसी तरह से आप न्यूट्रॉन निकाल लो, क्योंकि यहां पर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और ऊपर 32 लिखा होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 8 और यहां 16 लिखा होता है, तो अगर ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है 32 - 16 कितना होगा 16 और 16 - 8 कितना होगा 8, तो अगर ये डिफरेंस प्रोटॉन के सेम आ रहा, प्रोटॉन के इक्वल आ रहा, देखो प्रोटॉन भी इतने ही है, जरा चेक करो इसके अंदर 16 ही प्रोटॉन थे, इसके अंदर 8 ही प्रोटॉन है, तो अगर डिफरेंस न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के जैसा ही आ रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, फिर भी आप निकाल के देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 48, ये मैंने आपको निकाल के दे दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, अब आपको उसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है, क्लियर हो गया। और मैं कहूं वहां पर चार्ज कितना है -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यहां पर एक स्पीसी पे चार्ज है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, उसको आपको मोल से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना आसान सवाल है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करो, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे जरूर। तो यहां पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 का पहला फॉर्मूला खत्म कर रहे हैं, अब लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे और हम लोग क्या करेंगे वहां पर मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा काम देगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस, लेक्चर नंबर 2 है, 11th वालों को स्पेशली बोलूंगा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है, मैं इसकी वर्कशीट भी आप लोगों को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आगे आने वाले समय में, उसके आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो वो चीज भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2 का इंतजार करिए, 12th के लिए ऑर्गेनिक चल ही रहा है पैरेलली, बस आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मेड इजी चैनल पे होगा। टिल देन आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और इन वीडियोस को उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।